सर, यदि युवाओं को याद किया जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए बताएं सर उनके बारे में कुछ। युवा दिवस, कई नाम आते हैं मेरे, अगर भारतीय पक्ष की तरफ से बताएं आप युवाओं को तो स्वामी विवेकानंद खूब याद आते हैं मुझे। अगर स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाम कहते नरेंद्र नाम था उनका, उनके पिताजी वकील हुआ करते थे, वो चाहते थे कि वो भी वकील बने, लेकिन विवेकानंद जी को बचपन से उस चीज के बारे में जानने का या उस चीज को जानने की बड़ी इच्छा थी जो कि इस नश्वर शरीर के बाहर का हो, जिसमें कि नाश नहीं होता हो, जो कि खत्म नहीं होता, जो कि परिवर्तित नहीं होता। तो अंगों के बाहर दिव्यता तो खूब वो जानना चाहते थे, जगह जगह गुरुओं के पास गए। ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मो समाज का नाम सुना होगा आपने, रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा, उनके दादाजी देवेंद्रनाथ ठाकुर जो कि विवेकानंद के समसामयिक थे, बड़े बुद्धिमान लोगों में से थे, गंगा के अंदर एक हाउस बोट में रहा करते थे। तो पूरी चांद की रात थी, विवेकानंद को अचानक सुनने को आया कि हाँ देवेंद्रनाथ शायद मेरे प्रश्नों का जवाब दे सके, उस समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में से थे। तो कहते हैं कि गंगा में छलांग मारी बीच रात, नाव तक पहुंचा, घुसे, देवेंद्रनाथ कुछ लिख रहे थे, सामने खड़े हुए भीगे बिल्कुल, एक सुदृढ़ शरीर लिए हुए। देवेंद्रनाथ पूछे, कौन तुम, कहाँ आए? तो विवेकानंद बोले कि मेरा नाम नरेंद्र है और मैंने सुना है कि आपको उस दिव्यता की झलक है जो कि इस परिवर्तनशील या इस नश्वर संसार के बाहर का हो। तो देवेंद्रनाथ बोले, हाँ आओ बैठो। तो बोले, बैठने का बात नहीं है, मैं त्वरा में हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या ईश्वर है, क्या ऐसा है कुछ है जो कि दिव्य है, क्या ऐसा कुछ है जो कि इस अंगों के बाहर है, जो जानने योग्य है। तो देवेंद्रनाथ चौंके और बोले कि ना बैठो बैठो, थोड़ी देर बैठो तो सही। विवेकानंद ने उनकी आंखों में देखा और बोला कि ना तुम्हें नहीं मालूम, और वापस कूद कर चले गए। ये विवेकानंद है पहली कहानी। अच्छा, तो विवेकानंद जी ने उनको भी नकार दिया कि आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है। ओके, वो तो अच्छा, विवेकानंद सर अभी के हैं, बाकी हम तो ये काफी पौराणिक कथाएं कह रहे हैं। हाँ, विवेकानंद ये बिल्कुल अभी के हैं, खूब जानते हैं, 1800 के हैं, खूब जानते हैं हम लोग। तो उस समय के भी युवा की ये तलाश हमेशा रही थी, भारत की तो यही विशेषता रही है कि हमारी ही एक सभ्यता संस्कृति है जो कि उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है, जो कि हम में आप में हर जगह है, दिखता नहीं है पर जिसके होने के बिना कुछ नहीं संभव है। तो उसी दिव्यता को अंगों के बाहर जानने की कोशिश है हमारी, पूरी सभ्यता संस्कृति हमारी इस पे खड़ी है। तो विवेकानंद वापिस गए और वापिस फिर सुना उन्होंने कि हाँ ऐसा एक रामकृष्ण परमहंस है, तीसरी पास नहीं है। अच्छा, सधुक्कड़ी में बोलता है, मतलब गाली गलौज कर देता है कभी कभी। तो उनके पास दम्भ के साथ गए खड़े होकर के और उनको पूछा, परमात्मा है? रामकृष्ण परमहंस ने बोला, हाँ है, तुम्हारी तैयारी है देखने की। अच्छा। और छू दिया और विवेकानंद वहीं मूर्छित हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां एक बिल्कुल शिक्षित सुसंस्कृत उस समय का सबसे बड़ा वेदज्ञ खड़ा है और वहीं विवेकानंद उसे नकार के आते हैं और ये तीसरी पास को एक सवाल पूछते हैं और रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, तुम्हारी तैयारी है। बात वहीं खत्म हो जाती है फिर उसके बाद। बड़ी बात है, कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अगर दिव्यता की बात करें तो वो आपकी मौजूदगी बताती है। उदाहरण में बता देता हूं आपको, शिकागो गए जी भाषण देने, सबसे अंत में 10 मिनट के लिए उनको मौका दिया गया क्योंकि लोगों को लाया गया, रही क्या बोलेगा जी। और वैसे भी किसी और कारण के लिए वो सम्मेलन किया जा रहा था, एक विशेष धर्म को, एक विशेष संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए वो सम्मेलन किया जा रहा था। वो खड़े हुए और बोले, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, वो मैं भी बोल रहा हूं, पर क्या वो आंदोलन हो रहा है अंदर? नहीं हो रहा है। उनमें क्या बात रही होगी? उनमें उनका होना रहा होगा। तो जहां जब भी हम अंगों के बाहर दिव्यता की बात कर रहे हैं उसके लिए मौखिक या मुखर होकर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है जी। आपका होना वो बताने लगता है। रामकृष्ण परमहंस का होना वो बताया गया, विवेकानंद का होना वो बताया गया, वो उनकी तैयारी रही। इसलिए एक विशेषता आप देखेंगे इंडियन आर्ट फॉर्म और वेस्टर्न आर्ट फॉर्म में,
कि हिंदुस्तान के जितने भी होंगे या तो आधी आंख यूं या पूरी आंख बंद, यानी कि हमारा जो सफर है वो हमेशा अंदर की तरफ का है, इस अंगों के अंदर छुपी हुई दिव्यांगता को देखने की है। पूरी आंख बंद बंद रहे या आधी आंख रहेगी बंद, वजह है उसका ऊर्जा, हमारे शरीर से जाती हुई ऊर्जा का संरक्षण अगर करना है तो आपको एक विशेष मुद्रा में बैठना होता है। आंखें अगर बंद रहे तो कम से कम ऊर्जा का व्यय होता है, जब कम से कम ऊर्जा का व्यय होगा बाहर की तरफ तो आप उस ऊर्जा को अंदर की तरफ ले जा सकते हैं, भोजन वगैरह कम लगेगा आपको, वजह अलग है वो। लेकिन विवेकानंद को देखें, ये बोल गए, ये बोलने के बाद भी वापिस आए। और एक कहानी मुझे याद आती बढ़िया, अब याद नहीं आ रहा वो जोधपुर के राजा के पास थे या उदयपुर के राजा के पास थे, निमंत्रित थे, उनके घर रहते थे, और जैसे महाराजा होते हैं भाई स्वागत विवेकानंद का करने के लिए, उन्होंने बनारस से एक वैश्य बुला लाया था और वो नाचती थी, तो दरबार में नाच शुरू हुआ। विवेकानंद को लगे अरे ये कहां बुला लिया मुझे, किधर जाने, क्या मतलब हुआ। और वो दरबार के बगल वाले कमरे में जहां रहते थे वहीं वो चुप बैठे रहे और बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए कि वैश्य ने नरसिंह मेहता ये वैष्णवजन तीन का ये पीर वो लिखा उन्होंने गुजराती, उनका भजन गाया जिसका अर्थ ये था कि वही लोहा का टुकड़ा लोहार के यहां भी पड़ा रहता है, हीरक के यहां भी पड़ा रहता है हीरा बनाने वाले के, और कसाई के यहां भी पड़ा रहता है। पारस की वो क्षमता होती है कि वो बिना भेद किए किसी को भी अगर छू दे तो सोना हो जाता है जी। माना कि मैं पतित हूं पर तुम तो दिव्य हो, ये सुनकर विवेकानंद आ गए और वो बैठे और लिखते हैं कि उस दिन मुझे ये होश आया कि अंगों के बाहर जिस दिव्यता की मैं खोज कर रहा हूं उसकी भनक क्या है, इसी नरसिंह मेहता की इस भजन से जिसे किस वैश्य ने गाया था जी। वो तब वो लिखते हैं कि पहले मैं जब अपने घर से मठ तक जाता था तो रास्ते में देवदासियों का एक मोहल्ला आता था, उसे मैं पार करके 2 किलोमीटर दूर जाता था, अब मैं बीचों बीच चल के जाता हूं और मन में थोड़ा भी शंका नहीं होता। तो ऐसी कहानी विवेकानंद जी की रही है। इसी को अगर आप आगे ले जाएं तो बुद्ध जी तो युवा थे बिल्कुल भी युवा के, तो थोड़ा आगे अगर ले जाएं बूढ़ा सुद्धोधन लुम्बिनी का राजा, बूढ़ा होता जा राजा बूढ़ा होता जा रहा था, वे चिंता हो रही थी तो तपस्या की और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहते हैं कि एक हिमालय से उनका एक अपना मित्र असीत नाम था उसका, वो भगा हुआ आया और देखा और खूब रोया बुद्ध को और अपने सर उनके पैरों में रख दिया, और ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने अपने पैर उसके जटाओं में फंसा लिए थे और तब से बुद्ध हमारे जटाओं में फंसे हुए हैं भाई। अच्छा। और मुक्त किए जा रहे हैं लोगों को। तो असीत को पूछा इन्होंने शुद्धोधन ने कि अरे मित्र तू रोता क्यों है, तो असीत ने बोला कि मेरी उम्र हो चली है और ये पुष्प जब पल्लवित होगा, ये कली जब पल्लवित होगा उस समय मैं नहीं रहूंगा इस शरीर में, और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं इसे सुन नहीं पाऊंगा, जो कि इस पूरी सदी का एक बड़ा घटना है। ऐसे तो शुद्धोधन बोला कि अरे तो बाकी के ज्योतिष भी बैठे हुए थे, जन्मपत्री बनती है ना भाई, तो ज्योतिष बोल गए एक सुर में कि या तो ये एक बड़ा सम्राट बनेगा या फकीर बन जाएगा। तो शुद्धोधन को चिंता हुई कि राजकाज कौन संभालेगा, तो उन्होंने आयोजन कर दिया। आयोजन क्या कर दिया कि ये ऐसे एक महल में रहेंगे जहां पर सभी जवान रहेंगे, उनका जो बागीचा होगा वो रात भर में प्रून आउट कर दिया जाएगा या हटा दिए जाएंगे, सूखे एक सूखा पत्ता भी ना गिरने पाए। बुद्ध बड़े होते चले गए, महल के बाहर आना जाना नहीं हुआ उनका, हर तरह की सुविधाएं थी, खाने में जो सबसे सुस्वादु हो सकता है वो उपलब्ध था, देखने में जो सबसे सुंदर हो सकता है वो उपलब्ध था, खेलने में जो सबसे मनोहर हो सकता वो उपलब्ध था, सबसे सुंदर सुविधाएं उनके पास थी। वो बड़े होते चले गए, उनका ब्याह कर दिया गया, ब्याह भी हो गया, उनका एक बच्चा भी हुआ, बेटा भी हुआ राहुल जी। अब बुद्ध ने कहा कि ठीक
सुदोधन ने कहा ठीक है अब वो निश्चिंत हो गए कि हाँ ये तो राजा ही बनेगा, साधु भला क्यों बने, राजा ही बनेगा, फकीर क्यों बनेगा। तो बुद्ध ने बोला कि एक युवा उत्सव हो रहा है मेरे राज्य में, मैं देखने जाना चाहता हूं। बोलने ग्रंथ ऐसा लिखते हैं कि देवता चिंतित हो गए कि ऐसी एक आत्मा अगर दिन दुनिया में उलझ गई तो जिस काम के लिए आई है खत्म हो जाएगी। तो बुद्ध अपने सारथी के साथ जा रहे हैं और रास्ते में जाते आते एक बूढ़ा देख लिया। बुद्ध पूछते हैं इसको क्या हो गया है, क्योंकि उनके पास तो हमेशा जवान रहे थे, एक मुरझाता हुआ पत्ता भी उन्होंने नहीं देखा था। तो बुद्ध पूछ गया इसको क्या हो गया है, तो सारथी बोला युवराज ये बूढ़ा है। आयोजन ही ऐसा किया गया था कि सूखा पत्ता भी ना देखें जी। तो बुद्ध पूछे कि अरे ये बूढ़ा है मतलब, बूढ़ा है हर कोई बूढ़ा हो जाता है। बुद्ध पूछे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, सारथी बोला हाँ। थोड़ा आगे गए, एक क्षय रोग हो गया था किसी को, खांस रहा था खून खांस रहा था वो, कमजोर हो गया था शरीर। बुद्ध पूछे ये क्या हो गया इसे, ये बीमार है। बीमारी ये क्या होती है, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? हाँ बिल्कुल बीमार हो सकते हैं। क्या मेरा शरीर भी ऐसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसे शरीर हो जाएंगे। क्या मेरा अंग भी गल जाएगा ऐसे? बिल्कुल गल जाएगा। बुद्ध फिर चौंके, फिर थोड़ा आगे गए तो कंधे पे एक मुर्दे को लेकर राम नाम सत्य बोलते हुए कुछ लोग जा रहे थे। बुद्ध बोले इसे क्या हो गया, सारथी बोला झूठ ना बोला जाएगा मुझसे, ये मृत है। तो ये क्या होता है, हर कोई मर जाएगा। क्या हर कोई मर जाएगा? हाँ बिल्कुल हर कोई मर जाएगा। और सारथी ये बोलता हुआ ध्यान भटकाने के लिए बोला कि युवा उत्सव शुरू होने वाला होगा, राज चले आगे जी। तो बुद्ध ने बोला अगर कोई बूढ़ा हो सकता है, अगर कोई बीमार हो सकता है, अगर कोई मर सकता है, तो मैं बूढ़ा हो गया। अच्छा। मैं बीमार हो गया और मैं मर गया। मुझे अब इस चीज की तलाश करनी है जो कि इन अंगों के साथ साथ खराब नहीं हो जाता। क्या ऐसा कुछ है जो कि अंगों के बाहर है? ये बोलते हुए वो बोले कि रथ घुमाओ। रथ उस दिन घुमा और उस रात बुद्ध निकल लिए अपने पुत्र और यशोधा को छोड़कर। अच्छा, युवा दिवस में जो मनाया था वहां नहीं गए, वहां नहीं गए थे वो जी। कैसी प्रतिभा रही होगी बताओ जी। तो अब जब चले गए तो वही सारथी, बूढ़ा सारथी अपने राज्य की सीमा को पार करते हुए बुद्ध बोले कि हाँ अब ये आभूषण ये राजवस्त्र तुम ले लो। केश बड़े सुंदर हुआ करते थे बुद्ध के जी, केश भी काटा अपना। अच्छा। और बोला कि अब मैं जा रहा हूं। तो और बुद्ध निकल गए। तो सारथी बोलता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं लेकिन दुनिया मैंने देखी है, कई और राजों को, आपके पिता के पिता को भी मैंने घुमाया है। तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये घर छोड़ के क्यों कैसे जा रहे हो? तो बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारे घर में आग लगा हो तो बाहर निकलने को भागना नहीं बोलते। जब तुम ये देख रहे हो कि नंगों की कोई स्थिति नहीं है, ये आज है कल खत्म हो जाएंगे कब, तो जरूरी ये हो जाता है कि इस बात की खोज की जाए कि इसके बाहर कुछ है, इसके बाहर कुछ ऐसा है जो कि दिव्य हो, जो कि स्थायी हो, जो कि स्थिर हो, या इसी अस्थिरता में हम जिएंगे। ये बोलकर बुद्ध निकल लेते हैं। ये थे बुद्ध।